Hey everyone, welcome back to the channel. This is Swarna Singh. So if you are new to this channel, then do subscribe this channel for all the latest updates related to your NEET exam and related to your NEET counseling and for all the things about a medico. So do subscribe this channel for all the things related to a medical life. So in this video, I'm basically going to talk about the impact of delay in NEET 2021 All India Counseling. Counseling की provisional result cancel हो गई और वापस से result declare होगी. So इसकी वजह से आपके cut-off में क्या changes आ सकते हैं, क्या cut-off increase होगा, क्या आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वही कॉलेज रह जाएगा, बिकॉज पहले जो प्रोविजनल रिजल्ट आती थी वही फाइनल रिजल्ट होती थी 95% केसेस में. बट इस बार क्या होगा, जो प्रोविजनल रिजल्ट आई थी वही रिजल्ट रहेगी या फिर रिजल्ट चेंज हो जाएगा. सो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स. सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कट ऑफ. कट ऑफ में क्या चेंजेस आएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज, देखो जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं की थी पहले से, उनको भी यह तो पता चल गया ना कि उनके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि वो सिर्फ स्टेट राउंड से ही कॉलेज लें, ऑल इंडिया का फॉर्म नहीं भरते हैं, सोचते हैं पता नहीं कैसा कॉलेज मिलेगा. बट अब उनको ये चीज़ पता चल रही होगी कि उनके रैंक पे क्या कॉलेज मिल रहा है. अगर उनके रैंक पे अच्छी कॉलेज मिल रही होगी, देन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट उन्होंने वापस रजिस्ट्रेशन किया होगा ऑल इंडिया के लिए और चॉइस फिलिंग की होगी. इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ बच्चों का कॉलेज चेंज हो जाए, कुछ बच्चों को जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो ना हो, कि कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो सकता है. सो देयर इज़ अ चांस ऑफ इंक्रीज इन कट ऑफ. इस वजह से आपका कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है. अगर आप सोच लो कि 2-3 हज़ार बच्चे रजिस्ट्रेशन कर दे उस रैंक के बीच में, देन कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है जितना एक्सपेक्टेड नहीं है. और अभी आपका फर्स्ट राउंड में कट ऑफ काफ़ी कम गया था कंपैरेटिवली, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ तो कुछ स्टेट्स के जा रहे हैं फर्स्ट राउंड में, जितना ऑल इंडिया का गया था फर्स्ट राउंड में. सो अगर कुछ बच्चे वापस रजिस्ट्रेशन कर देंगे, देन कट ऑफ इंक्रीज होने के बहुत चांसेस हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज. आई होप दैट यू विल गेट योर डिजायर्ड कॉलेज, आई होप दैट यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज, बट देर आर समथिंग कॉन्सिक्वेंसेज विच यू हैव टू फेस अगर ऐसा कुछ होता है तो. क्योंकि अभी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हाँ काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगी ऑल इंडिया की फिर वापस से होगी. स्टेट काउंसलिंग में ऐसा होता था, और स्टेट काउंसलिंग में जब भी ऐसा होता था तो बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो जाता था कि बच्चे ऑल इंडिया सीट ले चुके थे तब तक. बट ऑल इंडिया काउंसलिंग में ऐसा हो रहा है, तब तक किसी स्टेट में काउंसलिंग हुई नहीं होती है, ऑल इंडिया की सबसे पहले रिजल्ट आती है. सो देर इज सो मच ऑफ चांसेस ऑफ इंक्रीज इन कट ऑफ. सो आई एम प्रेइंग दैट यू ऑल गेट योर डिजायर्ड कॉलेज, बट बी प्रिपेयर्ड एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर ऑल द रिजल्ट जो भी आने वाला है. और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ आपकी रैंक क्या है और आप फिर अपने स्टेट में अप्लाई कर सकेंगे. होपफुली कि आपके स्टेट से पहले आपका ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाए, बिकॉज ऑल इंडिया के रिजल्ट के बाद ही आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको स्टेट का कॉलेज लेना है कि ऑल इंडिया का कॉलेज लेना है. सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने इस पर अप्लाई किया काउंसलिंग के लिए. एंड डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली गेट अ मेडिकल सीट दिस ईयर अगर आपकी रैंक अच्छी है तो.